फतेहपुर जिले के चित्रांश नगर स्थित चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस के उपलक्ष्य में आज मातृशक्ति सम्मान समारोह किया गया, जहां चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक संजय श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य पद्मालय दास चौधरी, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मातृशक्ति व छात्र छात्राओं को सीपीएस के प्रशासक लालजी श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य पद्मालय दास चौधरी ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं चिल्ड्रंस पब्लिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका पद्मालय दास चौधरी ने बताया कि मातृ दिवस के अवसर पर विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि आज के इंटरनेट के आधुनिक दौर में अपने पारिवारिक रिश्तों को लोग जिस प्रकार भूले जा रहे हैं, शायद या किसी से अछूता नहीं है, जबकि माँ का एक जन्मांत से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है, जो जन्म से लेकर मरते दम तक अपने बच्चों के प्रति वही प्यार दुलार हृदय में विराजमान रहता है। आज मदर्स डे के दिन बच्चों को माँ की ममता का प्यार दुलार का एहसास कराया गया है। लगभग ये भूल गए कि माँ का इम्पोर्टेंस क्या होता है। घर में रहते रहते, काम करते करते माँओं के बारे में ध्यान भटक जाता है हम लोगों का। तो ये इस तरह की चीज़ों को मुझे तो ये लगता है कि सीबीएसई भी इस पर ध्यान दे, सीबीएसई को भी इस पर सर्कुलर देना चाहिए कि आनंद सभी स्कूलों में हो। और हम लोग कोशिश किए हैं, पिछले साल भी यहाँ बहुत अच्छे से मातृ दिवस का पालन किया गया था, इस साल भी है। तो हमारे पेरेंट्स बेहद अच्छे हैं, इनक्रेज करते हैं हमें इन चीज़ों के लिए। राजा का शासन जब चल रहा था रामायण युग में, हमने पद प्रक्षालन विधि को देखा है कि जब ऋषिगण आते थे राजा के दरबार में, तो उनका पांव प्रक्षालन किया जाता था, पांव धुलाया जाता था, इस प्रकार से उन्हें सम्मानित किया जाता था। तो इस कंसेप्ट को लेके हमने इस बार कोशिश की कि माओं का पूजन हो और बच्चों के हाथों पूजन हो। तो इस प्रकार की शुरुआत हमने वेद के मंत्रों से किया, तो इसका एक प्रभाव अच्छा जाएगा आज के पीढ़ी पर, ऐसा मुझे लगता है कि लगभग आजकल हाय हेलो का ज़माना रहा, तो हाय हेलो छोड़कर लोग फिर से पांव छुए, झुके, नतमस्तक हो, इस संस्कार को देने की हमने कोशिश करी है। और मुझे लगता है ये लोगों की भावनाओं को और जागृत करेगा और इसका प्रभाव ज़रूर आज की पीढ़ी पर पड़ेगा। अभिभावकों को पार्टिसिपेट करना, मतलब हर बच्चा अपने माँ या पिता को पार्टिसिपेट करते हुए किसी प्रकार स्टेज परफॉर्मेंस पे देखता नहीं है। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि हमें सिर्फ जो कर सकते हैं हमारे माता पिता नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बच्चों के साथ एक ही स्टेज पे वो परफॉर्म करें तो चाइल्ड के लिए भी अच्छा होता है कि मेरे माता पिता में भी वो प्रतिभाएँ हैं जो इनमें हैं, तो वो खुद जानेंगे कि कभी एक समय रहा होगा, आज जो हम कर रहे हैं कभी हमारे माता पिता भी वो चीज़ को करते थे, जब आज वो कर पा रहे हैं। ये बच्चों की भावनात्मक, मुझे लगता है इसमें बच्चों को इंकरेजमेंट मिलता है ज़्यादा, और माँ या पिता अगर उनके साथ स्टेज पर खड़े होते हैं वो ज़्यादा उनके विल पावर को या तो आत्मशक्ति इसमें बढ़ती है ज़्यादा। तो इस प्रकार के प्रोग्राम्स होना चाहिए, हर विद्यालय में होना चाहिए, ये मुझे लगता है। इस सत्र में चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एक क्लब एक्टिविटी, करीब 11 क्लब एक्टिविटी की शुरुआत की, जो स्क्वाफ में कहा गया है, इसका जिक्र किया गया है। तो ये जो 11 क्लब एक्टिविटी में एक डांस क्लब भी है, एक म्यूजिक क्लब है, एक इको क्लब है, एक रोटरी क्लब है और स्पोर्ट्स क्लब है, इस तरह के कई क्लब हैं। तो इसमें हम प्रतिभाओं को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के जो इनिट टैलेंट है, जो बच्चे अंतर्मन से, पढ़ाई सिर्फ विद्यालय का अहम भावना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करें और खेल कूद तो छोड़ दें बच्चे, तो बच्चे अपने बचपन को जी नहीं सकते हैं। तो बच्चों का बचपन, अगर हम बच्चों के बचपन को और निखारें और सुंदर बनाएं, तो उनकी प्रतिभाओं को निखारना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हम लोग विविध प्रक्रियाओं को, क्रिया विधि को करते हैं स्कूल में, जिससे वो निखर के आए और उसमें आत्मविश्वास बढ़े। थैंक यू वेरी मच।